मैंने आपको बताया था नौचंदी के बाद हम तिरंगा गेट पे आ चुके हैं। सबसे ज्यादा झूला इसी के अंदर होता है। ये रहा पटेल मंडप। हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल 2D के राज व्लॉग्स पे। तो साथियों, आज मैं आया हूँ मेरठ में नौचंदी मैदान में, जो यहाँ पे पटेल मंडप है यहीं पे मैं आया हूँ। और नौचंदी की अभी तैयारी चल रही है, लेकिन मेला अभी कब से शुरू होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन दिखाते हैं आपको क्या क्या अभी तैयारी चल रही है। पहले पटेल मंडप दिखाते हैं। ये रहा पटेल मंडप। और जब मेला भरता है तो यहाँ पे काफ़ी फंक्शन होते हैं, काफ़ी जाने के अंदर रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से रास्ते दे रखे हैं। अभी तो यहाँ साफ सफाई कुछ भी नहीं है, बस लगता है अभी जैसे यहाँ पे पेंट हुआ हो वाइट। बस सामने ही आपको स्टेज दिख रहे हैं, वहाँ पे ही प्रोग्राम होते हैं, गाना कॉमेडी सिंगिंग सब कुछ वहीं पे होता है। तो अभी तो पटेल मंडप इस तरह से है। जब यहाँ पे मेला लगता है नौचंदी का तो काफ़ी भीड़ होती है शाम को। यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है, सब कुछ फ्री होता है, तो यहाँ पे लोग काफ़ी घूम के जाते हैं, इंजॉय करके जाते हैं। चलिए और दिखाते हैं बाकी नौचंदी मैदान में क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो नौचंदी मैदान के बाद आपको तिरंगा गेट भी लेके चलेंगे, जो कि मेरठ का तिरंगा गेट बहुत ही फेमस है, वे भी आपको मैं वीडियो में दिखा दूँगा, तो व्लॉग से बने रहिए। जो ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा झूला इसी के अंदर होता है। आपको चलिए मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, जिससे सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पे पेंट चल रहा है झूलों पे उस, और ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये दुकानें हैं, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन के साथ यहाँ पे इन्हें सजाया जाता है, और सब अपनी अपनी दुकानें रेंट पे यहाँ सरकार द्वारा लेते हैं। ये नौचंदी मैदान में मोहन द्वार है, यहाँ आपको सभी जगह महापुरुषों की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति है, और ये रास्ता रोड पे से आ रहा है सीधा। उस सामने आपको अशोक स्तंभ दिख रहा होगा। मेरठ में चुनाव का माहौल बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में सिटी में, तो उस चुनाव के बाद ही जाके ये नौचंदी मेला शुरू होगा। तो कब तक होता है देखते हैं, 15 तारीख के बाद भी हो सकता है या 20 तक भी हो सकता है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। और ये देखिए सामने आपको कितना बड़ा और विशाल तिरंगा गेट दिख रहा है। ये नौचंदी के पास ही गेट आपको देखने को मिलेगा, हापुड़ रोड की तरफ ये गेट है, और पास में ही गढ़ रोड से भी नौचंदी की ओर रास्ता आ रहा है। ये जो मेरे पीछे तिरंगा गेट है, जो कि मैंने आपको बताया था नौचंदी के बाद हम तिरंगा गेट पे आ चुके हैं। पास में जनरेटर चल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी आवाज़ आपको साफ नहीं आ पा रही होगी। ये तिरंगा गेट के सामने देखिए पूरा रोड है, हापुड़ रोड, और इसके पास प्राइवेट हापुड़ बस स्टैंड है, यहाँ से आप हापुड़ के लिए बस ले सकते हैं। ये रहा मेरठ का तिरंगा गेट। नौचंदी मैदान में जय जवान जय किसान की मूर्ति लगी हुई है, काफ़ी मूर्ति है यहाँ। ये अशोक स्तंभ का जो मैंने आपको दिखाया था, और ये मेन गेट है नौचंदी का, जब आप अंदर आते हैं तो आपको ये गेट देखने को मिलता है, काफ़ी फोर्स यहाँ पे पुलिस होती है। और अब मैं बाहर की ओर जा रहा हूँ, ये पूरा नौचंदी कवर हो चुका है। साथियों आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।